हेलो एवरीवन माय सेल्फ प्रणीता प्रिया फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी पीजीटी बायो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रांस माइक्रोराइजा एंड लाइक एंड वील आल्सो स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम सो प्रायंस प्रांस इट वाज डिस्कवर्ड बाय प्रुशनर ठीक है अब तक आपने देखा कि जो वायरस है इट इज़ न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी वो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से बने हुए हैं एंड जो वीरियॉइड्स है वो क्या से बने हुए थे इट वॉज अप ऑफ ओनली आर एन ए पार्टिकल लेकिन जो प्रैंस है इट इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन्स यानी इनफेक्शियस प्रोटीन्स या अनफोल्डेड और जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं उससे बने हुए होते हैं इट इज दीज आर हाईली रेसिस्टेंट स्मॉल साइज ग्लाइको प्रोटीन पार्टिकल्स राइट ये सिर्फ प्रोटीन्स के बने होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं प्रैंस एकूमलेट इन नर्वस टिश्यू एंड ब्रिंग अबाउट इट्स डी जनरेशन अगर ये हमारे नर्वस टिश्यू में एकूमलेट हो जाते हैं और मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है जिस इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं डिजीज के स्क्रैपी ऑफ सिप विच इज मेंटल डिसऑर्डर कॉज्ड इन सिप मैड काउ डिजीज इन काउ क्रूड स्वेल्ड जैकॉब डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कुरू ऑल्सो इन ह्यूमन बींग्स सिख गुरु में कहा जाता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं दोज हु आर ईटिंग ह्यूमन ब्रेन्स ये अगर ह्यूमन ब्रेंस खाते हैं तो ह्यूमन ब्रेन्स के थ्रू ये प्रोटीन्स उनके बॉडी में जा सकता है और ये जो प्रोटीन्स अगर चला गया तो वो क्या करता है जितने भी हमारे बॉडी में जो नॉर्मल प्रोटीन्स बन रहे हैं उसे भी अपनी तरह मिसफोल्डेड बना देते ख़राब कर देते इस तरह से इसका नंबर बढ़ते चला जाता है क्योंकि जो प्रोटीन है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग नहीं है अगर आर या डी होता तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता ठीक है लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन्स है तो वो क्या करता है जो भी हमारे बॉडी के प्रोटीन्स के कांटेक्ट में आता है ये उसे भी अपने जैसा ट्रांसफॉर्म कर देता है राइट नाउ माइक्रोराइजा माइक्रोराइजा इज सिंबायटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद द रूट्स ऑफ ए हायर प्लांट्स जितने भी हाइयर प्लांट्स है सपोज उसके रूट्स वीक है इतना एफिशिएंट नहीं है फॉर द एब्जॉर्ब एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल तो ऐसे प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं फंजाई फंजाई ऐसे प्लांट्स के साथ रूट्स के साथ उनके रूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं और उन्हें मदद करते हैं मिनरल्स एंड वाटर के एब्जॉर्बशन में मदद करते हैं राइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं सिम्पैटिक एसोसिएशन होते हैं मींस बोथ द प्लांट्स एंड फंगस आर म्यूचुअली बेनिफिटेड दोनों को इसमें फ़ायदा होता है फंगस को एक तरह से फूड मिलते हैं जो प्लांट्स बनाते हैं राइट एंड दे आर गेटिंग सेल्टर ऑल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वाट प्लांट्स आर गेटिंग दे आर गेटिंग मिनरल्स एंड वाटर फ्राम द सॉइल अब माइकोराइजा कैन बी ऑफ टू टाइप्स एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडो माइकोराइजा एक्टोमाइकोराइजा एज द नेम सजेस्ट दिस फंगस लाई ऑन द सर्फेस ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स मोस्टली ये जो फंगस होंगे वो रूट के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं बाहर की ओर और ओनली वेरी फ्यू जो है वो कॉटिक्स तक एंटर करते हैं राइट right? और इंटरसेलुलर सेल्स जो होते हैं इंटर सेलुलर स्पेस होते हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं लेकिन जो एंडोमाइकोराइजा होते हैं मोस्ट ऑफ द जो फंगस होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द कॉर्टिकल सेल्स और कुछ जो है वो रूट के सरफेस पे होते हैं यानी मैक्सिमम जो है, वो इनसाइड इनसाइड होते हैं रूट के कॉर्टिक्स के अंदर और जो कुछ है वो बाहर होते हैं सरफेस पे एग्जाम्पल यू कैन सी वन ग्लोमस इज द फंगस विच इज एंडराइजर नाउ लाइक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी डोट गेट द टर्म माइकोराइज़ा एंड लाइकेंस माइकोराइज़ा में जो फंगस है वो हाइयर uh, प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएटेड होता है सिम्बायटिकली और जो लाइकेंस है वो सिम्बायटिक एसोसिएशन शो करता है विथ एल्गी एंड फंजाई यहाँ फंजाई जो है एल्गी के साथ एसोसिएटेड होते हैं राइट right? अब यहाँ जो एल्गल मेंबर होंगे वो फाइकोबायट कहलाते हैं और जो फंगल मेंबर हैं वो माइको बायोट कहलाते हैं लाइकेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स क्रस्टोस लाइकेंस, फोलियोस लाइकेंस एंड फ्रूटिकोस लाइकेंस नाउ क्रस्टोस लाइकेंस यू कैन सीयर क्रस्टोस जो लाइकेंस होते हैं वो uh, आपने क्रस्ट अर्थ क्रस्ट आप बोलते हो अर्थ का अपर लेयर डैट इज द क्रस्ट लेयर तो ये बिल्कुल कोई भी सबस्ट्रैटम मिलता है कोई भी सपोर्ट मिलते हैं तो उस पर बिल्कुल ये चिपके हुए होते हैं एपरेस्ड होते हैं बिल्कुल सटे हुए होते क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा डिस्टिंगज नहीं होता है बिल्कुल ये थैलॉइड जैसे होते हैं और ये चिपके हुए होते डैट्स वाई वी कॉल इट क्रस्टोस लाइकेंस इसके एग्जाम्पल है ग्राफिस अब जो फोलियोस लाइकेंस है फोलियोस मीन्स लिफ लाइक पत्ते जैसे दिखते हैं तो देखो ये बिल्कुल पत्ते जैसे आपको दिख रहे हैं दीज आर ऑल जो एक्सटेंशन आपको दिख रहे हैं, दीज आर लिफ लाइक तो ये फोलियोस लाइकेंस है और इसके एग्जाम्पल है पार्मेलिया नाउ फ्रूटिकोस लाइकेंस फ्रूटिकोस लाइकेंस जो है थोड़ा एडवांस्ड है ये देखो इसमें ब्रांचिंग आप देख रहे हो यू कैन सी द्रांचिंग हेयर एंड ये फंगल फ्रूटिफिकेशन हो रहे हैं यहां पर ये एंड पर तो दीज आर ऑल ब्रांच फॉर्म एंड ब्रश लाइक अपियरेंस होते हैं ब्रश जैसे दिखते हैं डैट्स वाई वी कॉल इट फ्रूटिकोस लाइकेंस इसके एग्जाम्पल होते हैं असनिया एंड क्लेडोनिया ठीक है नाउ वाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइकेंस लाइकेंस एक पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है जिस जगह पर अगर देखो बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अगर है या पॉल्यूटेंट वहाँ पर ज़्यादा है उस जगह पे लाइकेंस आपको नजर नहीं आएगा ठीक है और जिस जगह पर आपके पॉल्यूशन नहीं है उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा लाइकेंस दिखते हैं लाइकेंस कहीं भी आपको दिखेंगे पेड़ों पेड़ के जो स्टेम है उस, उससे सटे हुए दिखेंगे वॉल्स पर दिखेंगे तो ये सब जगह फैले हुए होते हैं लेकिन ये उस जगह पे मिलेंगे आपको जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है ठीक है। नाउ Uh, लाइकेंस से हम लोग लिटमस भी लिटमस का भी ये सोर्स है लाइकेंस जैसे रोचिला टिंगटोरिया लाइकेंस से हम लोग लिटमस निकाल सकते हैं एंड विच लिटमस विच एक्ट्स एज पीएच इंडिकेटर आप लिटमस uh, का यूज करते हो फॉर पीएच इंडिकेटर ठीक है नाउ मेडिसिन भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फॉर फ्रॉम द लाइकेंस डैट इज असनिक एसिड विच इज ऑप्टेन फ्रॉम अस्निया विच एक्ट्स एस एंटीबायोटिक ठीक है नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर डैट इज किंग प्लांट किंगडम चैप्टर थ्री अब इसके मैं कुछ क्लासिफिकेशन आपको बता दे रही हूँ प्लैंट किंगडम इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट दैट इज क्रिप्टोगे एंड फैनरोगैमे जो क्रिप्टोगैमे है क्रिप्टो मीन्स हिडन छुपा हुआ ठीक है दैट मीन्स प्लांट्स विदाउट सीड्स एंड सेक्स ऑर्गेन्स इन विजिबल इसमें जो सेक्स ऑर्गेन्स होंगे वो नजर नहीं आएंगे हो सकता है वो पत्तों के बीच में छुपे हुए रहेंगे ठीक है पर सेक्स ऑर्गेंस प्रेजेंट होंगे पर इट इज नॉट विजिबल ये दिखेंगे नहीं दिखाई नहीं देंगे ऐसे प्लांट्स में राइट और इसमें सीड्स नहीं होगा बीज बिल्कुल भी नहीं होगा तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रिप्टो गैमे बोलेंगे फैंड्रोकैमी में प्लांट्स बिथ सीड्स होगा इसमें बीज प्रेजेंट होंगे और जो सेक्स ऑर्गेन्स होगा वो भी विजिबल होगा राइट अब देखो जिसमें सेक्स ऑर्गेन्स विजिबल होंगे जिसमें सीड्स प्रेजेंट होंगे उसके फर्दर ग्रुप को आप देखो इसमें आते हैं जिम्नोस्प में एंड एनजोस्प में जिम्नोसपमे में आपको नेकेट सीड्स मिलेंगे इसमें आपको फ्रूट नहीं मिलेगा फ्रूट क्या होता है आप फ्रूट देखते हो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं राइट इसमें क्या होगा सिर्फ सीड seed सीड्स होंगे ऊपर से इसकी कवरिंग नहीं होगी यानी फ्रूट नहीं होंगे दैट इज जिम्नोसपम एनजियोस्पम में कवर्ड सीड्स होगा कवर्ड सीड्स का मतलब क्या होगा सीड्स होगा और उसके ऊपर फ्रूट होंगे मीन्स फ्रूट के अंदर सीड्स होंगे दैट इज एनजियोसपम्स एनजोस्पर्म ऑल्सो दे आर फ्लावरिंग प्लांट ये फ्लावर देंगे जिम्नोस्पर्म में कोई फ्लावर नहीं होता एंड दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स अब इट इज फर्दर डिडेड इन टू डाइकॉटल एंड मोनोकॉटेड वी विल स्टडी लेटर ऑन अबाउट ऑल दिस थिंग्स नाव क्रिप्टोगैमी में आपने देखा था कि सेक्स ऑर्गेन्स इनविजिबल होते हैं और इसमें सीड्स भी प्रेजेंट नहीं होते तो इसके ग्रुप में और फर्दर क्या क्या है आपका देखो थैलोफाइटर जिसमें थैलस बॉडी होगा थैलॉयड बॉडी होगा थैलॉयड बॉडी का मतलब होता है बॉडी इज नॉट डिविजिबल इन टू रूट शूट एंड स्टेम ना तो आपको रूट उसमें दिख, दिखाई देगा ना आपके उसमें सूट सिस्टम होंगे ठीक है ऐसे ग्रुप में आते हैं एलगी ऑलमोस्ट ऑल दो एल्गी आर इंक्लूडेड इन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा यही इससे एडवांस है ब्रायोफाइटा प्लांट्स ठीक है इसमें मर्कैशियन ये सब आ जाएंगे प्लांट्स टेरिडो फाइटा में आपको फांस मिलेंगे तो ये सब की डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ये क्लासीफिकेशन थैंक यू चिल्ड्रेन